हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, ये वोल्टास का रिमोट है। आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या कौन कौन से फीचर हैं और आप इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। काफ़ी इसमें ऐसे बटन हैं जो हो सकता है आपको ना ही समझ में आ रहे हों, जिसकी वजह से एसी को ऑपरेट करने में, चलाने में आपको परेशानी आ रही हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रिमोट है, ये इस समय आप विंडो एसी लीजिए चाहे स्प्लिट एसी लीजिए, दोनों के अंदर सेम रिमोट आ रहा है, यही रिमोट आपको मिलेगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये ऑन ऑफ का बटन है। अभी एसी हमारा ऑन है तो मैं इसको प्रेस करूँगा तो एसी ऑफ हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर की। ये देखिए, ऊपर टेम्परेचर आपको 26 दिख रहा होगा। इसके अंदर माइनस का बटन है, माइनस का बटन है। तो अगर हम टेम्परेचर को लो करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो हम माइनस का बटन प्रेस करेंगे। देखिए, हम जितना प्रेस करते रहेंगे उतना नीचे ही जाता रहेगा, ये 16 तक चला जाएगा। मिनिमम इसमें आप 16 सेट कर सकते हैं। अब ये प्लस का बटन है, प्लस में क्या है, आप टेम्परेचर को मैक्सिमम जितना करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 30 तक सेट आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं मोड बटन की। मोड क्या है, मोड का मतलब होता है भी आप एसी को किस तरह से ऑपरेट करना चाहते हैं। अब देखिए, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब होता है कूल। अगर मैं मोड को प्रेस करूँगा, ये देखिए, मोड को मैंने प्रेस किया तो ये ड्राइव बना हुआ आ गया, ड्रॉप बनी हुआ आ गई है। ड्रॉप का मतलब होता क्या है, जब बारिश होती है, रेनी सीजन होता है, तब काफ़ी हुमस हो जाती है, जिसकी वजह से एसी जब हम चलाते हैं तो वो एसी तो चलता है, लेकिन रूम के अंदर एक टाइम ऐसा आता है ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है, फिर हमें एसी बंद करना पड़ता है। तो आप एसी बंद करेंगे, फिर हुमस होगी, ह्यूमिडिटी होगी, चिपचिपाहट फिर दोबारा होनी शुरू हो जाती है, गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप ड्राई मोड पर कर लीजिए, जिससे क्या है, एसी भी चलता रहेगा, कूलिंग भी होती रहेगी और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। ये ड्राई मोड होता है रेनी सीजन के लिए। उसके बाद बात करते हैं, मोड को मैंने प्रेस किया तो ये फ़ैन बना हुआ आ गया है। फ़ैन का मतलब होता है कि इस कंडीशन में आके एसी में सिर्फ इंडो ही चलेगा, कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, ये सिर्फ ब्लोअर का साइन है, सिर्फ ब्लोअर ही इसमें चलेगा। उसके बाद दोस्तों, ये देखिए, ये उसके बाद आ जाता है फ़ैन। फ़ैन में क्या है कि आप फ़ैन को किस स्पीड पर रखना चाहते हैं उस स्पीड पर आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये फ़ैन की स्पीड है, ये इस समय फुल है, ये इस समय फुल है। और अगर मैं फ़ैन को कि ये देखिए, फ़ैन का बटन मैं प्रेस करता हूँ तो ये ए बना हुआ आ गया, ऑटो बना हुआ आ गया। ऑटो का मतलब होता है कि फ़ैन की स्पीड है वो ऑटोमेटिक चलेगी, कभी हाई हो जाएगी, कभी लो हो जाएगी। उसके बाद मैंने दोबारा प्रेस किया तो ये लो है, फ़ैन की स्पीड जो है ये बिल्कुल लो है। उसके बाद प्रेस किया तो ये मीडियम हो गई, और उसके बाद प्रेस किया तो ये हाई हो गई। आप जिस हिसाब से अपने रूम का ब्लोअर, एसी का ब्लोअर चलाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्विंग की। स्विंग में क्या है, आपका आप स्विंग प्रेस करेंगे तो ये देखिए, साइन बना हुआ आ गया है। इसमें क्या है, जो स्विंग है वो अप डाउन करना शुरू कर देगा। अब आप कहीं पे रोकना चाहते हैं, मान लीजिए मिडल में या ऊपर या नीचे कहीं भी रोकना चाहते हैं स्विंग को, आप वहाँ पर इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये वहीं पर रुक जाएगा। उसके बाद ये स्विंग है, ये स्विंग स्प्लिट एसी में ऑपरेट नहीं होता है, ये विंडो एसी में ऑपरेट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्लीप मोड की। स्लीप मोड क्या होता है दोस्तों, होता क्या है, जब हम एसी चलाते हैं, सो जाते हैं, तो रात को एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमें ठंड लगती है, उस समय क्या है, या तो हमें उठकर एसी बंद करना पड़ता है। तो अगर आप स्लीप मोड को ऑपरेट करेंगे तो ये टेम्परेचर जो है, मान लीजिए आपने 22 डिग्री टेम्परेचर सेट किया और स्लीप मोड का बटन दबा दिया, तो उससे क्या है, एक एक घंटे बाद अपने आप एक एक डिग्री टेम्परेचर सेट होता रहेगा। आपने 22 पे सेट किया था तो एक घंटे बाद 23 हो जाएगा, फिर एक घंटे बाद 24 हो जाएगा, फिर एक घंटे बाद 25 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लैंप। दोस्तों, होता क्या है, आपने रात को सो रहे हैं और आपने सारे रूम की लाइट बंद कर दी, लेकिन स्प्लिट एसी में क्या होता है, टेम्परेचर शो होता है। अब टेम्परेचर शो होगा तो उसकी जो लाइट है वो पूरे रूम में आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से कई लोगों को नींद आने में परेशानी होती है। अगर आप लैंप का बटन प्रेस कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो डिस्प्ले है वो भी बंद हो जाएगी और आपका एसी चलता रहेगा, पूरा अंधेरा रहेगा आपके रूम के अंदर। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेव बटन की। इसका मतलब होता है सेव। सेव का मतलब होता है, मैं बताता हूँ आपको, जैसे अब मैंने इसको प्रेस किया तो ई बना हुआ आ जाएगा। ये देखिए, ई बना हुआ है, ई का मतलब होता है इकोनॉमिकल।
और टेम्परेचर हो गया 24 सेट अपने आप। अब मैं इसको अप डाउन करूँगा, कुछ नहीं होगा, 24 पे ही सेट रहेगा और एसी अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि अगर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करना चाहते हैं और कूलिंग भी चाहते हैं तो ये इकोनॉमिकल चलेगा, जिससे क्या है कूलिंग भी होती रहेगी और आपका एसी भी चलता रहेगा। सेवर का मतलब ये होता है, इसको आप सेव पे रख दें तो चलेगा, लेकिन 24 पे आप इसको अप डाउन नहीं कर सकते। उसके बाद बात कर लेते हैं टर्बो की। टर्बो बटन में दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एसी चलाया, एसी चलाएंगे तो कंप्रेसर 3 मिनट बाद ऑन होता है। अगर आपके आपको चाहते हैं कि इंस्टेंट कूलिंग हो जाए, कंप्रेसर इमिजिएटली ऑन हो जाए, तो आप टर्बो का बटन ऑन करेंगे तो एसी उसी टाइम कूलिंग करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो 3 मिनट बाद कंप्रेसर ऑन ना होके उसी टाइम कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। तो टर्बो का बटन आप इसलिए ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये आ जाता है टाइमर का बटन। इसमें क्या है, जो टाइमर ऑफ है वो ऑपरेट होगा। वो कैसे, उसका मतलब क्या है, वो पहले मैं आपको बता दूँ। मान लीजिए आप रात को सो गए और आप चाहते हो भी 3-4 बजे या सुबह 5 बजे तक एसी अपने आप बंद हो जाए, तो उसके लिए आप टाइमर ऑफ का बटन ऑपरेट कर सकते हो। वो आपने कैसे करना है, आपने ये देखो बटन ऑपरेट, इसमें टाइमर ऑफ का मैंने बटन दबाया, यहाँ पे 2 आवर आ गया। अब मैं जितने घंटे का चाहूँगा, जितने आवर चाहूँगा उतने आग बाद एसी अपने आप बंद हो जाएगा। मान लो ये 7 आवर का मैंने दबा दिया। अब सेट पे, ये सेट है ना, यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे। अब ये देखो ये ब्लिंक होना बंद हो गया। अगर हम इसको सेट नहीं प्रेस करेंगे तो ये टाइमर सेट नहीं होगा। अब क्या है, 7 आवर बाद आपने मान लो 10 बजे टाइम सेट किया था, तो 7 आवर बाद सुबह 5 बजे एसी अपने आप बंद हो जाएगा। तो टाइमर ऑफ का मतलब ये होता है। उसके अलावा ये वाईफाई है, वाईफाई का जो बटन है वो वाईफाई एसी में ही यूज़ होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल रिमोट है। तो इसमें कई बटन, एक दो बटन ऐसे हैं जो आपके एसी में यूज़ नहीं होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।